आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं चटपटे मसाले पोहे की रेसिपी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तो मैंने ये डीप पैन ले लिया है, इसमें मैं अभी ऐड करूंगी 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून मस्टर्ड सीड्स, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून क्यूमिन सीड्स। देखिए थोड़ा सा इनको क्रैक होने देंगे ऑयल में। सो ये देखिए ये हो चुके हैं। सो मैं इसमें ऐड करूँगी, ये है करी लीव्स 10 to 12, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पीनट्स। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 चॉप्ड ऑनियन एंड 6 to 7 ग्रीन चिलीज चॉप करके। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुक करेंगे लो फ्लेम पे। हमने ऑनियन को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने पर जैसे ट्रांसपेरेंट कलर हो जाता तब तक इसको पकाना है लो फ्लेम पर ही। इस तरीके से देखिए, सो इसको इस तरीके से आप कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। सही, देख सकते हैं अभी हो चुके हैं ऑनियन हमारे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रीन पीस और कैप्सिकम। ग्रीन पीस को मैंने बॉईल करके यूज़ करा है, तो आप भी बॉईल करके यूज़ कीजिएगा। ऐसे ग्रीन पीस जो हमारे पके हुए होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे। हमने तब तक पकाना है जब तक हमारे वेजिटेबल्स जो अच्छे से कुक हो जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी, ये टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1/2 टी स्पून। 1/2 टी स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ करा है, थोड़ा 1/2 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर यूज़ करा है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको लो फ्लेम पे। हमने इसको कुक करना है। अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये चॉप्ड बीन्स। मैंने यहाँ पे 6 to 7 बीन्स लिए हैं उसको चॉप करके। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाए तब तक हमने इसको पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। सो ये देखिए सब्जी हमारी हो चुकी है। सो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पोहे। तो ये मैंने रनिंग वाटर से वॉश किए हुए पोहे थे। पोहों को आप अच्छे से रनिंग वाटर में वॉश करेंगे। ये देखिए अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। सारे मसालों को और पोहों को आपस में हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमने इसको 2 से 4 मिनट तक और पकाना है पोहे को मसालों के साथ इस तरीके से। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करूँगी, इससे जो है थोड़ी सॉफ्टनेस बनी रहेगी पोहों में। तो इस तरीके से आप जो है वाटर स्प्रिंकल करेंगे पोहे के ऊपर, ये देखिए। और अब हमने जो है लिड को कवर कर देना है और 3 से 4 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हो चुका है। सो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारे गर्मा गर्म पोहे जो है बन के तैयार हो गए हैं, देखिए आप। और चलिए इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये है हमारे गर्मा गर्म मसाला पोहा जो है बनके तैयार हो गया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा शुगर। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे आलू भुजिया इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अनार भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला और लेमन जूस स्क्वीज़ किया है। तो ये देखिए ये हमारे चटपटे मसाले पोहे जो है बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी ये बने हैं। तो होप आपको ये ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून विद अनदर रेसिपी। टिल देन बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन न्यू वीडियोज। Please subscribe to my channel. This is absolutely free. Thank you once again.